तो चलिए दोहरा लेते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर हमने मिश्रण के बारे में चर्चा की जो कुछ इस प्रकार के थे। मिश्रण को हमने समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में बांटा। फिर समांगी मिश्रण को हमने विलयन में और विषमांगी मिश्रण को हमने निलंबन और कोलाइड में बांटा। फिर हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा जो कुछ इस प्रकार है। शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक में बांटा गया और फिर तत्व को हमने धातु, उपधातु और अधातु में बांटा। फिर हमने पृथक्करण की विधियों के बारे में चर्चा की जो कुछ इस प्रकार है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।